फोर्थ आई न्यूज, नजर हर खबर पर। सत्यनारायण जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि भीषण गर्मी में यहाँ पेयजल की भयंकर समस्या है और उस वक्त कुल नलकूप खनन रायपुर जिले का ही लूँ तो 43 हुआ है, 43 केवल 43, और उसमें से माननीय अध्यक्ष जी 31 सफल हैं और 12 असफल हैं। तो ये असफल होने के कारण क्या है, क्यों असफल हुए 12? भी इस वक्त 100% लक्ष्य को प्राप्त करना था लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए और मात्र 118 का लक्ष्य रखा गया है माननीय अध्यक्ष जी, जो बहुत ही कम रहा रायपुर जिले के लिए। उसमें मात्र 43 नलकूप खनन हुए हैं मात्र, और उसमें से 21 सफल है, 12 असफल, 31 सफल हैं, 12 असफल हैं। तो असफल होने के कारण क्या थे ये बता दें। बताइए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें दो प्रकार की बात है। पहला, जितना आप चाहेंगे उसके हिसाब से मांग के अनुरूप नल खनन हो जाएगा, लेकिन आचार संहिता के कारण काम रुका हुआ था। दूसरी चीज, असफल का सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे आप ही ने, आपका आवेदन आया कि आपको 4 बोर करवाने हैं इस गांव में, तो उसमें साथ में ये भी उल्लेख रहता है, मैं माननीय सभी सदस्य जो यहाँ पे बैठे हैं, ये आप सबके लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास सर्वे की टीम भी है, वो अगर जाके वहाँ पे पानी चेक करके अगर बोर करेगी तो असफल के मात्र वो बहुत कम होगी। लेकिन अधिकांश ये होता है कि मंत्री जी आप फलाने गांव में ना गाड़ी भेजिए और इस जगह पे आप बोर करवाइए, तो कई बार कारण वो होता है असफल होने का। और सबसे बड़ी बात, अभी इस साल पानी की मात्रा, ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत डाउन हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा प्रश्न है। बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके पास डिपार्टमेंटल जो रिंग मशीन है बहुत पुरानी हो गई माननीय मंत्री जी, और बहुत ज्यादातर खराब है, ज्यादा गहराई तक खोल ही नहीं पा रही बोरिंग, और इसके कारण असफल हो रहे हैं बोर। तो आप क्या आधुनिक तकनीकी मशीन जो है उनको आप बाजार से हायर करके करवाएंगे क्या, ताकि बोर सफल हो और ज्यादा से ज्यादा बोर किए जा सकते हैं, ज्यादा गहराई तक बोर हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे क्या? ये कहना गलत है कि बोर हमारी जो मशीन है पुरानी हो चुकी है, अच्छी कंडीशन में है, लेकिन आपकी चिंता जो है, आपकी जो चिंता है निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की, यहाँ पे बैठे सभी सदन के सदस्यों की चिंता है, क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो गया है तो ज़्यादा गहराई तक हमें बोर करने की ना कभी आवश्यकता पड़ती है, तो निश्चित तौर पे आगे चल के प्राइवेट सेक्टर से भी बोर कराया जाएगा। प्रकाश नायक अध्यक्ष जी एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट, मंत्री जी से आपके माध्यम से चाहूंगा मैं उसको पूछ लेंगे। रायगढ़ जिले में 180 का लक्ष्य था और मात्र 24 हुआ है, उसका कारण यह था कि रायगढ़ जिले में एक ही मशीन है जो गहराई तक खो सकती है और एक मशीन एक दिन में, प्रश्न क्या है, एक पंप होती है, प्रश्न करिए, तो प्राइवेट मशीन से खुदवाएंगे क्या? अभी तो जवाब दिए देखिए, मैं अभी तो जवाब दिया, मैं सत्यनारायण शर्मा जी को अभी मैंने जवाब दिया। एक प्रश्न और है नहीं हो सकते, दो प्रश्न, एक प्रश्न है धर्म जी, रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक और बरंगल ब्लॉक में बहुत जस्ट नीचे चला गया है। अध्यक्ष जी अलग मापदंड, आप पूछिए, वो मिल के बात कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मिल लीजिए कक्ष में जाके। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विधायक लोग बोलते हैं कि यहाँ पर खोदना है, हाँ बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि उस मोहल्ले में पानी की कमी रहती है, वहाँ के गाँव के हिसाब से बैठक में जब पूछते हैं तो लोग बताते हैं, भाई मान लो आदिवासी पारा में नहीं है या सतनामी पारा में नहीं है, तो हम लोगों को बताना पड़ता है। आप तो हमको ये बताइए कि आपके विभाग में सबसे ज़्यादा डीप बोरवेल करने के लिए कितनी क्षमता है आपके विभाग की, जो सबसे ज़्यादा हो, और अगर नहीं है तो आपको सबको मालूम है, और अभी आने वाले समय में वाटर लेवल और भी नीचे गिरेगा, पानी तो गिर नहीं रहा है, अकाल की स्थिति है, तो हाहाकार तो उसी में मच रहा है। अध्यक्ष महोदय, 2 महीने से परेशान थे तो सारे जिले में, प्रश्न ये है कि सबसे ज्यादा गहराई तक खोदने की क्षमता कितनी है आपके मशीन की, और क्या हर जिले में आपका मशीन उपलब्ध है, और नहीं है तो क्या आप प्राइवेट लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके और नल खुदाई के काम को गति पकड़ाएंगे?
निश्चित तौर पे हमारी जो मशीन है उसकी खुदाई की क्षमता है 650 फीट अधिकतम, और जैसे कि आपने कहा तो ये वास्तु स्थिति है कि आज के तारीख में वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का अधिक दोहन होने के कारण या फिर अधिक यूज होने के कारण निरंतर वाटर लेवल डाउन जा रहा है, बारिश भी कम हो रही है। और आपके तीसरे प्रश्न का जवाब तो मैंने शुरू में दे दिया, आवश्यकता के हिसाब से आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर से भी कराया जाएगा। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4th Eye News, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।